हो नहीं मला मराठी चित्रपट मध्ये काम करायचं आहे आणि खूप मन आहे माझा पण आता काही कोणी स्क्रिप्ट आलं नाही जे मला आवडलं लेट्स सी होपफुली पीके की पोस्टर के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करते हैं आज आज का टॉपिक फक्त हे आहे आणि मी तुम्हाला प्रॉमिस करतो 20 ऑगस्ट तुम्ही कुठे आहे 20 ऑगस्ट मी 20th ऑगस्ट ला मी सेकंड पोस्टर रिलीज करणार आणि ते पोस्टर मध्ये मी ट्रान्सिस्टर नाही घाललो आता बोला तर तुम्ही 20 ला मला जे प्रश्न आहे तुम्ही मला 20 तारखेला विचारा काय 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 पेशन्स पेशन्स थांबा थांबा हा काय 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 हा जो देश प्रेम की भावना जगाता है मेरे अंदर आई थिंक शहीद जो फिल्म थी मनोज कुमार जी की उसमें गाना था आई थिंक याद हो हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला वो मुझे नहीं आप मुझसे मत गवाइए बड़ा अच्छा गाना है वो आप मुझसे क्यों बिगाड़ रही हैं तो वो मुझे गाना पसंद है और भी कई अच्छे अच्छे गाने लता जी का एक गाना है हकीकत का ए मेरे वतन के लोगों जी हाँ सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की आजादी की हमारी मुबारकबाद शुभकामनाएं सभी को आपका बेटा जिसका नाम आजाद है ओ मी दिले नाही ना सर आता पण गुरुदर्शन आमच्या ट्रेनिंग आता चालू आहे संपलं नाही आजादी का मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आज़ादी का मतलब मेरे लिए क्या है आज़ादी का मतलब मेरे लिए लिबर्टी है एक हर इंसान को सोचने की आज़ादी हो जो उसे करना है वो करने की आज़ादी हो जो उसे बोलना है बोलने की आज़ादी हो और सुरक्षित रहने की आज़ादी हो जी आखिरी सवाल हो गया मैं कितनी ज़बानें जानता हूँ देखिए अंग्रेज़ी बोलता हूँ मैं और अंग्रेज़ी एक तरह से मेरी पहली भाषा हो गई है ये मैं खुश नहीं हूँ उस बात से लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ी मेरी पहली भाषा हो गई मैं अंग्रेज़ी में सोचता हूँ शायद इसकी वजह यह है कि जो मेरी पढ़ाई हुई वो अंग्रेज़ी में हुई इंग्लिश मीडियम में हुई उसके बाद जो मैंने किताबें पढ़ी वो सारी अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ी तो जितने ऑथर्स हैं मैंने सब अंग्रेज़ी में पढ़े हैं कुछ ऑथर्स जो अंग्रेज़ी में नहीं लिखते मैंने उनके ट्रांसलेशन पढ़े हैं तो अंग्रेज़ी एक तरह से मेरी पहली भाषा हो गई जिस इस बात से मैं खुश नहीं हूँ लेकिन ये सच्चाई है उर्दू या हिंदुस्तानी जो है वो मेरी मातृभाषा है तो वो मैं बचपन से बोलते आ रहा हूँ मराठी अभी मैंने हाल ही में सीखी है कई भाषाएं हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन समझ लेता हूँ जैसे गुजराती है मैं समझ लेता हूँ पंजाबी समझ लेता हूँ प्यार की भाषा समझ लेता हूँ ये ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो मैं समझ लेता हूँ हाँ भोजपुरी भोजपुरी की मैंने खास ट्रेनिंग ली क्योंकि पीके में तो मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैंने खास ट्रेनिंग ली मेरे साथ जो डायलॉग कोच थे शांति भूषण जी उनके साथ मैंने कई महीने और अभी तो खैर एक दो साल हो गए जब से हमने शुरू किया था तो भोजपुरी की खास ट्रेनिंग मैंने उनसे ली शांति भूषण जी
और पीके वील टॉक ऑन 20th ना, ऑन 20th यू आस्क मी ऑल दैट. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. 20 तारीख को. All the dignitaries on the dais are requested to proceed for the refreshment to the adjacent room, and even the MLT team. All the others, including media, are requested to go to the green shade opposite to the auditorium. All the dignitaries go first. आणखी 5 वर्ष अधिकाधिक लोकांच्यापर्यंत आमचं काम पोहोचेल असं जरा पहा. हे पुस्तक ग्रंथालयाच्या सुदेश इंगला. Yes, Deepak, as you rightly said, she is the remote controller of Mumbai, Dr. Rajan Velukar, called Amir Khan. Mr. Suhas Limay, Madhuri Tai, Professor P.N. Paranjape, Mr. Atul Kulkarni, Nilesh Gupta, dignitaries, colleagues, students. The first meeting with him. Whole world. May I request our chief guest, Mr. Amir Khan, and all the dignitaries on the dais to kindly release the books. धन्यवाद. खरोखरच एका अत्यंत सुंदर क्षणाचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत. आणि हा सगळा प्रकल्प सिद्ध करणारी अशी जी टीम आहे, जो चमू आहे, त्याचा प्रातिनिधिक सत्कार, हा सत्कार मी विनंती करते मनाने श्रीमंत असणाऱ्या आजच्या माननीय श्री आमिर खान यांना की त्यांनी सत्कार करावा. माननीय सुहास लिमये, सुहास लिमये सरांचा सत्कार. सृजनशील आणि चैतन्यशील असं व्यक्तिमत्व माननीय सुहास लिमये. एकात्मिक संवादात्मक पद्धतीने सगळ्या या प्रकल्पाची उभारणी करणाऱ्या सहलेखिका गिरीशा सावंत टिळक. मानसी सामंत यांनाही रंगमंचावर आमंत्रित करते आहे. आणि कृतिका भोसले, मानसी सामंत
आणि कृतिका भोस। मी म्हटल्याप्रमाणे हा प्रातिनिधिक सत्कार अर्थात यानंतर मी विनंती करते। धन्यवाद सर। मी आमचे And now comes the moment we all are eagerly waiting for. We all know his talent. We know his चला आम्ही मराठी मध्ये प्रयत्न करतो। एक दोन अंग्रेजी शब्द पण येणार आणि खूप मिस्टेक्स होणार पण इतका एक्सपर्ट्स आहे मराठीचा इथे तर मी खूप नर्वस फील करतो। मला खूप आनंद आहे की मुंबई युनिव्हर्सिटीचा जर्मन डिपार्टमेंटने ही पुस्तक रिलीज केलं आणि हे प्रयत्न केलं की पूर्ण विश्वमध्ये लोकांना ऑपॉर्च्युनिटी मिळता की ते हे भाषा शिकू शकतो आणि मला खूप आनंद आहे की हे एफर्टमध्ये माझा पण लहान सपोर्ट आहे। आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट दॅट। हे खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण मला वाटतं की आमच्या भाषा जी आहे हे मी जसं मी माझा मातृभाषा उर्दू आहे तर मला मराठी शिकायचं आहे तर मी कुठे जाऊ कोणतं पुस्तक मी घेऊ। मी लकी आहे मला सुहासल्यामे मिळालं। बट डोंट जज हिम बाय माय मराठी। पण इवन अ दॅट टाइम मी सरला विचारलो की असं काही पुस्तक आहे का फॉर नॉन महाराष्ट्रन्स ज्यांच्या मातृभाषा मराठी नाही आहे फॉर देम टू लर्न। तो म्हणाला नाही असं काही पुस्तक नाही आहे। ते बिगिनिंगमध्ये मी विचारलो त्यांना। नंतर हे प्रोजेक्ट स्टार्ट केलं जर्मन डिपार्टमेंटने आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लाईक मी कॅन देन लर्न दिस लँग्वेज। इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। बिकॉज रिअली अ लँग्वेज होल्ड्स आर इमोशन्स आणि इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सॉरी खूप इम्पॉर्टंट आहे की नॉट ओनली मराठी सर्व भाषा एव्हरी लँग्वेज इज इम्पॉर्टंट। सर्व भाषाच्या ऑपॉर्च्युनिटी there should be an opportunity for people of you know different parts of the world to learn a language and we have to work towards that. Maharashtrians have to work towards that. Amala he karaycha paize ani mala aashcharya vatla ki kuni government madhe maharashtra sarkar madhe kuni आलं नाही की चला आम्ही करतो आमचं भाषा आहे आम्ही करतो। कोणी नाही आलं। मला इतकं आश्चर्य वाटलं। आणि मला हे पण आश्चर्य आहे की जर्मन डिपार्टमेंट काय करतो आहे मराठी डिपार्टमेंट कुठे आहे ते काय काय नाही करतो। तर आता पण आता हे फर्स्ट बुक आलं आणखीन पाच आहे ना किंवा छे पाच आहे। तर आता पण ऑपॉर्च्युनिटी आहे सरकार बरोबर की तो नेक्स्ट फाईव्ह बुक्स दे कॅन सपोर्ट। इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की वी एज महाराष्ट्रन्स शुड मेक शुअर दॅट आर लँग्वेज इज अवेलेबल टू एव्हरी पर्सन यु नो इन द वर्ल्ड अँड दॅट इज समथिंग वी हॅव टू डू अँड वी शुड डू इट विथ लव्ह। इट्स समथिंग दॅट वी शुड वॉन्ट टू डू। सो आय एम व्हेरी हॅपी। मला खूप आनंद वाटतं की हे पुस्तक रिलीज आणि काम
इतकं काम झालं हे पुस्तक मध्ये. एकच माझा कंप्लेंट आहे जर्मन डिपार्टमेंट बरोबर, इतकं वाईट फोटो माझा यूज केलं. इतकं मी ग्राउंड दिसतो, हे प्रिंट झालं का? माझा फोटो आहे पुस्तक मध्ये? हो माझा फोटो आहे पुस्तक मध्ये. हो गेलं, झालं, संपलं. चला रिप्रिंट मध्ये मला मी नवीन फोटो देणार ना. बट आय रिअली फील दॅट द फॉलोइंग फाईव्ह पार्ट्स ऑफ दिस बुक, अँड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, आय एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस बुक स्ट्रेट अवे, पण जे रिमेनिंग फाईव्ह पार्ट्स आहे हे बुकचं, टू कम्प्लीट द कोर्स, टू कम्प्लीट लर्निंग, टू कम्प्लीट द लर्निंग अँड टीचिंग ऑफ दिस लँग्वेज, आय एम रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल हु आर our representatives in the government to take this forward. I mean, I'm sure there is a cultural department in Maharashtra which can take this forward as a language, and they really should take this forward. I really hope that they take it seriously. It has been a great experience spending time with Limay sir. Karan to mala phakt marathi nahi shikavto, इंग्लिश पण शिकवतो, हिंदी पण शिकवतो, आणि फिलॉसॉफी पण शिकवतो, हिस्ट्री पण शिकवतो, तुम्हाला पूर्ण एज्युकेशन मिळतो. अँड दॅट इज वाय आय रिअली एन्जॉय माय लेक्चर्स विथ हिम, बिकॉज इट इज अ कॉन्व्हर्सेशन विच गोज, इट्स अन अनप्रिडिक्टेबल कॉन्व्हर्सेशन विच कॅन गो एनीवेअर. लास्ट दोन 2 years we have not had a lesson. 2 years I have been very busy. But I want to start once again. So I speak broken Marathi with, you know, people. Maze mitra je ahe Maharashtrians te mala mahit nahi kay maza barapurte Marathi tun nahi bolto. Mala mahit nahi. Maybe they don't like to hear my Marathi or what. But that's the only way you learn, by speaking. You have to speak. But now I feel I can get on. मला मराठी मध्ये मी मॅनेज करू शकतो कुठे पण. वेल, ऑल द बेस्ट अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन टू द इंटायर टीम फॉर कमिंग आउट विथ दिस एंडेवर, अँड आय रिअली विश देम ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द रिमेंडर ऑफ दिस जर्नी विच इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. थँक यू सो मच. अत्यंत मनमोकळा सुसंवाद आणि या सुसंवादातून दिलेल्या शुभेच्छा, धन्यवाद सर. यानंतर मी आमंत्रित करीत आहे आजच्या या संबंध कार्यक्रमाचे नियोजित अध्यक्ष, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर राजन वेळुकर यांना. हा संबंध प्रकल्प जर्मन विभागामध्ये जो साकार झाला, तो प्रकल्प रानडे भवनामध्ये उभा राहिला, यालाही एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. विद्यापीठामध्ये सातत्याने मराठीच्या स्थानासाठी ज्यांनी अविश्रांत परिश्रम घेतले अशा रानडेंचं स्मरण या निमित्तानं. मराठी विभागाचे श्री कलमकर यांचंही योगदान या संबंध प्रकल्पामधलं आपण अनुभवलेलं आहेच. मी यानंतर आमंत्रित करते आहे डॉक्टर राजन वेळुकर यांना. ओके, द क्वेश्चन अँड आन्सर. आजच्या महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध अभिनेता, आत्तापर्यंत जे सहकार्य मिळालं तसंच सहकार्य आणि त्याहीपेक्षा अधिक सहकार्य यापुढेही सुरू राहील असं मी या प्रसंगी आश्वासन देतो. समाजामध्ये गैरसमज असतो की सर्व अन्य भाषकांकरता मराठीचं मेहर भूत यांना कृतज्ञ.
आजच्या या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने गेल्या 2 वर्षांपासूनची मेहनत सार्थकी लागल्याचे समाधान आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प साकार करणाऱ्या सर्वांचे मी प्रथम आभार मानते. 2 years and 5 days ago has culminated in the book release today. This has been possible due to the concerted efforts and the synergy of our Marathi language teaching team and Granthali, spearheaded by Professor Vibha Surana. We are exceedingly grateful to them for their unflinching perseverance and dedication. We also owe our gratitude to each one of who has contributed in the making of the book in the past 2 years. शांति से बैठे रहे. अभी ये ऑफिशियल प्रोग्राम खत्म हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर व्हाट एवर यू वांट टू हैव यू कैन हैव इट नाउ. पण सगळ्यांना मराठीत प्रश्न विचारायला लागतील. जी नहीं, मेरे दिल में ये बात आई और ये इस बर्थडे की बात नहीं होगी क्योंकि मैं कई सालों से सीख रहा हूँ, बल्कि पिछले 2 सालों में मेरे लेसन्स नहीं हुए हैं. लेकिन मेरे मन में एक दिन ये बात आई कि ये मेरी स्टेट की भाषा है, राज्य भाषा है और मुझे नहीं आती, तो ये मुझे बड़ा शर्म महसूस हुआ कि ये भाषा मुझे नहीं आती और मुझे आनी चाहिए. तो लिहाजा मैंने सीखना शुरू किया. इस वक्त मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ और मेरी कोशिश जारी है कि मैं और बेहतर सीखूं. और मैं ये भी चाहूँगा कि एक दिन मैं इतनी अच्छी मराठी बोल पाऊँ या पढ़ पाऊँ. मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में बहुत है क्योंकि बहुत बेहतरीन लिटरेचर है मराठी में जो मैं खुद पढ़ पाऊँगा विदाउट ट्रांसलेशन, मराठी में पढ़ पाऊँगा. किरण को बंगाली आती है, थोड़ी बहुत वो कन्नड़ा बोल सकती हैं और कोंकणी थोड़ी बहुत बोलती हैं वो, तो मराठी से मिलती जुलती है. तो मराठी भी वो हम लोग कई दफ़ा घर पे मराठी बोलते हैं, स्पेशली जब हम चाहते हैं, हम ऐसी कोई बात करते हैं जो हम चाहते हैं कि आज़ाद समझ ना पाए. उसकी अभी वो एज हो गई है तो हम लोग फिर मराठी में स्लिप हो जाते हैं. मेरा मेन मोटिव यही था कि एक्चुअली ये बड़ा ऑर्गेनिकली हुआ क्योंकि मैं कई 1.5 साल तक मैं मराठी सीख रहा था लमय सर से, और फिर लमय सर से बातचीत होती रहती थी मराठी के बारे में, और उन्होंने कहा कि ये एक हम लोग पुस्तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किताब निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस जो खास नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए होगी. तो लिहाजा मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था. फिर लमय सर ने एक दिन कहा कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपकी मदद चाहिए. तो मैंने कहा आपको क्या मदद चाहिए, तो पूरी टीम मुझसे मिलने आई थी और उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा. और जब मुझे लगा कि उन्हें ऐसी मदद चाहिए जो मैं दे सकता हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि मैं इसमें उनकी मदद कर सकता हूँ. एक हमारी भाषा की एक ऐसी किताब निकले जो देश भर में लोग, दुनिया भर में, न सिर्फ देश भर में लेकिन दुनिया भर में लोग ये भाषा सीख पाएं. तो मुझे खुशी हुई कि मैं भी इसके साथ जुड़ पाया. हाय आमिर, आलोक है फ्रॉम OFM. जी जी. सवाल ये कि पिछले दिनों में आपने ट्वीट भी किया था भोजपुरी भाषा में. सॉरी दोबारा बोलिए. हाँ, पिछले दिनों में आपने भोजपुरी भाषा में भी ट्वीट किया था. हाँ, तो वो क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? एक्चुअली जो मेरी फिल्म आ रही है PK जी, वो पूरे फिल्म में मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तो मेरी जबान भोजपुरी है उस फिल्म के अंदर. तो लिहाजा जब उस फिल्म की मैं बातचीत करता हूँ या हम उसके बारे में जो मैंने ट्वीट किए थे वो भोजपुरी में इसलिए किए थे. जी थम्बा. धन्यवाद. तुमचा प्रश्न काय आहे? हो मी सुरू करणार, पुन्हा मी सुरू करणार. I hope, I think, I mean, it's not just the politicians are also like one of us only. They're also human beings, I think. So I'm not trying to blame anybody. I just feel, mujhe aise laga ke, chunke ye
हमारे राज्य की भाषा है और हमें इसे उपलब्ध कराना चाहिए देश भर में, दुनिया भर में, तो हम ही करेंगे और कौन करेगा, और कोई राज्य थोड़ी मराठी जबान जो है वो और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये हमको ही करना है, तो हमको करना है मतलब महाराष्ट्र को करना है, महाराष्ट्र को करना है मतलब महाराष्ट्र के जो लोग हम जिनको हम चुनते हैं, हम चाहेंगे कि वो इसमें आगे बढ़े और वो भी इसमें इंटरेस्ट लें और इसको आगे बढ़ाएं। आमिर तुम्हें हो हो ओ गुड थैंक गॉड हेलो हेलो हो हेलो हेलो नहीं मला मराठी चित्रपट मध्ये काम करायचं आहे आणि खूप मन आहे माझा, पण आता काही कोणी स्क्रिप्ट आलं नाही जे मला आवडलं। लेट्स सी होपफुली पीके की पोस्टर के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करते हैं, आज आजचा टॉपिक फक्त हे आहे। हेलो हेलो आणि मी तुम्हाला प्रॉमिस करतो 20 ऑगस्ट तुम्ही कुठे आहे, 20 ऑगस्ट मी 20th ऑगस्ट ला मी सेकंड पोस्टर रिलीज करणार आणि ते पोस्टर मध्ये मी ट्रान्झिस्टर नाही घाललो। आता बोला तर तुम्ही 20 ला मला जे प्रश्न आहे तुम्ही मला 20 तारखेला विचारा। काय 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 पेशन्स पेशन्स तमा तमा हा काय 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 हा जो देश प्रेम की भावना जगाता है मेरे अंदर, आई थिंक शहीद जो फिल्म थी मनोज कुमार जी की, उसमें गाना था आई थिंक क्या था वो हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मुझे नहीं मुझसे मत गवाइए, बड़ा अच्छा गाना है वो, आप मुझसे क्यों बिगाड़ रही हैं। तो वो मुझे गाना पसंद है और भी कई अच्छे अच्छे गाने, लता जी का एक गाना है हकीकत का ऐ मेरे वतन के लोगों, जी हाँ सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की आजादी की हमारी मुबारकबाद शुभकामनाएं सभी को। ओ, ओ. मी दिले नाही ना सर, आता पण गुरुदर्शन आमच्या ट्रेनिंग आता चालू आहे, संपलं नाही। आजादी का मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता। हाँ सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पे, आजादी का मतलब मेरे लिए क्या है, आजादी का मतलब मेरे लिए लिबर्टी है, एक हर इंसान को सोचने की आजादी हो, जो उसे करना है वो करने की आजादी हो, जो उसे बोलना है बोलने की आजादी हो, और सुरक्षित रहने की आजादी हो। जी आखिरी सवाल हो गया, मैं कितनी जबानें जानता हूं, देखिए अंग्रेजी बोलता हूं मैं और अंग्रेजी एक तरह से मेरी पहली भाषा हो गई है, ये मैं खुश नहीं हूं उस बात से, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजी मेरी पहली भाषा हो गई, मैं अंग्रेजी में सोचता हूं। शायद इसकी वजह यह है कि जो मेरी पढ़ाई हुई वो अंग्रेजी में हुई, इंग्लिश मीडियम में हुई, उसके बाद जो मैंने किताबें पढ़ी वो सारी अंग्रेजी की किताबें पढ़ी, तो जितने ऑथर्स हैं मैंने सब अंग्रेजी में पढ़े हैं, कुछ ऑथर्स जो अंग्रेजी में नहीं लिखते मैंने उनके ट्रांसलेशंस पढ़े हैं, तो अंग्रेजी एक तरह से मेरी पहली भाषा हो गई, जिस इस बात से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ये सच्चाई है। उर्दू या हिंदुस्तानी जो है वो मेरी मातृभाषा है, तो वो मैं बचपन से बोलते आ रहा हूँ, मराठी अभी मैंने हाल ही में सीखी है,
कई भाषाएं हैं जो मैं बोलता नहीं हूं लेकिन समझ लेता हूं, जैसे गुजराती है मैं समझ लेता हूं, पंजाबी समझ लेता हूं, प्यार की भाषा समझ लेता हूं, ये ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो मैं समझ लेता हूं। हाँ भोजपुरी, भोजपुरी की मैंने खास ट्रेनिंग ली क्योंकि पीके में तो मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने खास ट्रेनिंग ली। मेरे साथ जो डायलॉग कोच थे शांति भूषण जी, उनके साथ मैंने कई महीने और अभी तो खैर एक दो साल हो गए जब से हमने शुरू किया था, तो भोजपुरी की खास ट्रेनिंग मैंने उनसे ली, शांति भूषण जी। About PK, we'll talk on 20th, na? On 20th, you ask me all that. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, thank you. 20 tarikh ko, 20 tarikh ko. All the dignitaries on the dais are requested to proceed for the refreshment to the adjacent room, and even the MLT team. All the others, including media, are requested to go to the green shed opposite to the auditorium. Dignitaries go first.